प्लस टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई विरार मीरा भाईंदर आयुक्तालय अंतर्गत जोन 1, 2 और 3 की पुलिस ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा अभियान मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अलग अलग माध्यमों से लोगों को वाहतूक के नियमों की जानकारी दी। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के ट्रैफिक जोन 1, 2 और 3 द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह आयोजन पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे के मार्गदर्शन में किया गया, जहां 16 जनवरी को वसई पश्चिम स्थित सड़क सुरक्षा अभियान में उपस्थित कमिश्नर मधुकर पांडे के हाथों दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की गई। जीवन एक अनमोल उपहार है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हर देश में सड़क हादसों में लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। कई बार तेज रफ्तार, ओवरटेक, नशे में ड्राइविंग करना, हेलमेट नहीं पहनना, ऐसे कई कारण हैं जिसकी अनदेखी से लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं और कभी कभार तो जान तक चली जाती है। वहीं आयोजन में विविध माध्यम से बताया गया कि वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक चिन्हों, रफ्तार धीमी आदि का पालन करें। वाहन चालकों को सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाना, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, इन नियमों का पालन करना चाहिए। आयोजन में सभी पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित थे। वहीं इस आयोजन को लेकर पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने जानकारी दी। रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 11 तारीख से आज तक मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय में इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें से पूरे 7 दिन का प्रोग्राम बनाया गया था। गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से पब्लिक में जन जागृति करने के लिए प्रोग्राम्स, स्कूल में प्रोग्राम्स और पब्लिक ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स सबको प्रबोधन किया गया इसमें। और आज उसकी सांगता थी, लास्ट डे था। माननीय सीपी सर के हाथ से आज का ये प्रोग्राम हो गया, जिसमें पुलिस को हमेशा सहकार्य करने वाले जो पब्लिक है उनका सत्कार किया गया और जो अच्छे काम करने वाले ट्रैफिक के कर्मचारी हैं उनका भी आज सत्कार किया गया। और ये जो पूरा अभियान है, इसमें से पूरे इंडिया में हर साल 1.5 लाख तक लोगों की डेथ होती है। महाराष्ट्र में 13 से 14 हज़ार लोगों की डेथ होती है और मीरा भाईंदर आयुक्तालय में 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। तो वो कम कैसे करें, इसके बारे में ये 7 दिन में का पूरा अभियान चलाया गया। अच्छा, रास्ता सुरक्षा अभियान में आप लोग की तरफ से नगर पालिका को क्या विशेषता कुछ बातें की गई, जिसकी वजह से आपका और नगर पालिका का क्या सहयोग रहेगा इसमें? दोनों नगर पालिका है, मीरा भाईंदर और वसई विरार, दोनों नगर पालिका का अच्छा सहयोग हमको मिला है। जिसमें से खास करके ट्रैफिक वार्डन्स, हमारे पास मैन पावर की कमी है तो ट्रैफिक वार्डन दोनों नगर पालिका से हमको मिले हैं। और पीछे मीटिंग भी हुई थी, इसमें दोनों तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन की देवन-घेवन हो गई। उसमें से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल हमें महानगर पालिका से पूर्तता होती है उसकी, तो उसके बारे में हमने उनको डिमांड की थी। कुछ कार्रवाई की गई व्हीकल रखने के लिए जगह, उसके बारे में भी हमने महानगर पालिका से रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बारे में हमको उनका पूरा सहयोग मिल रहा है।